सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आप लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है आईटीआई रिजल्ट को लेकर के। आईटीआई रिजल्ट आया है या नहीं आया है, आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लगातार आप लोगों का कमेंट अभी आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आईटीआई का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, जिन छात्रों के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट धीरे धीरे करके डीजीटी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि तब आप अपने रिजल्ट को चेक कैसे कीजिएगा। तो एनसीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो, लेकिन एक मिनट, अभी अगर अपने रिजल्ट को आप चेक करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर मार्कशीट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन था जहाँ से आप अपना रिजल्ट देखते थे, उसी को डीजीटी की तरफ से उड़ा दिया गया है। अब आप बोलोगे कि जब रिजल्ट आ गया है तो डीजीटी ने उस ऑप्शन को ही क्यों हटा दिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो सुबह मैंने रिजल्ट आप लोगों को दिखाया है, इस रिजल्ट में प्रॉब्लम है, दिक्कत है और बहुत ही बड़ी गलती है। आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का रिजल्ट है जो कि डीजीटी की वेबसाइट पर सुबह में दिख रहा था। यहाँ पर आप देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप का जो सब्जेक्ट है वो अभी भी यहाँ पर दिख रहा है और दोनों में 00 नंबर नजर आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा था कि इन दोनों सब्जेक्ट में कहीं वो फेल तो नहीं हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इन दोनों सब्जेक्ट में 00 नंबर दिख रहे थे तो आप फेल बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि यह गलती डीजीटी की है। डीजीटी ने इन दोनों सब्जेक्ट को हटा दिया है, लेकिन इस रिजल्ट के इस वाले फॉर्मेट से वो इन दोनों सब्जेक्ट को इरेज करना भूल गई है। इसीलिए वहाँ पर आपको 00 नंबर दिख रहा था और उसी कारण इस फॉर्मेट को डीजीटी अब चेंज करने वाली है। जी हाँ, फॉर्मेट पूरा का पूरा डीजीटी चेंज कर रही है, जिसके कारण अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है वेबसाइट पर, और मेंटेनेंस का काम के कारण यहाँ पर जो रिजल्ट देखने का ऑप्शन था उसको डीजीटी ने हटा दिया है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को सर्वर प्रॉब्लम की इशू आ रही थी उन्हें मैं बता दूं कि जब इस वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो उसका जो सर्वर प्रॉब्लम है वो होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तब आप लोग को क्या करना है। रिजल्ट तो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं और रिजल्ट तो आ रहा है, फिर आप लोग क्या करोगे। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डीजीटी ने एक डेट निर्धारित की हुई है 10 सितंबर 2022 की। इसी डेट पर आप लोगों को अड़े रहना है और इस डेट तक का कम से कम आप लोगों को इंतज़ार करना है। अभी आपको अगर कहीं से भी न्यूज़ मिलता है कि रिजल्ट आ गया है तो बेशक आप ज़रूर जाएँ, चेकआउट करने की कोशिश करें कि रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है, लेकिन परेशान आप लोग ना हों, क्योंकि उन छात्रों के रिज़ल्ट अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं जिन छात्रों के एग्ज़ाम फेस वन में हो चुके हैं, इसीलिए उन लोगों का रिज़ल्ट दिख रहा है। और आप लोगों का रिज़ल्ट इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप लोग 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इतना जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता है। धीरे धीरे करके सभी का रिज़ल्ट आ जाएगा और जैसे जैसे रिज़ल्ट आएगा, जैसे जैसे अपडेट आएगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा और जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब आप लोगों को इंतज़ार करना है कि इस वेबसाइट मेंटेनेंस का काम कब ख़त्म होता है। जैसे ही इस वेबसाइट मेंटेनेंस का काम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।